जय बोलो देवादिदेव एक हजार आठ श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज विराट सागर जी महाराज की। कहते हैं राजा जनक की सभा में अष्टावक्र ऋषि आए। अष्टावक्र का शरीर आठ जगहों से वक्र था, बड़ा टेढ़ा और बेढप शरीर था। अष्टावक्र जब राज्यसभा में आए तो उनके उस बेढप शरीर को देखकर सारे दरबारी हंसने लगे। यह दृश्य देखकर अष्टावक्र उल्टे पांव लौट गए। जब वो लौटने लगे तो जनक ने उनसे निवेदन किया, अनुरोध किया कि प्रभो आप जा रहे हैं, हम तो आपसे ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हैं। ये सारे सभासद आपसे उसी ब्रह्म ज्ञान पाने की पिपासा में यहाँ आकर एकत्रित हुए, आप जा क्यों रहे? तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं आया तो यही सोच कर था कि ज्ञानियों को ब्रह्म का उपदेश दूं, पर यह तो चमारों की सभा है, यहाँ मैं क्या बोलूँ? ये तो चमारों की सभा है, यहाँ मैं क्या कहूँ? ये शब्द सुने तो सबके सब भौचक रह गए। राजा की ये इतनी बड़ी राज्यसभा जिसमें मंत्री से लेकर बड़े बड़े दरबारीगण, उनके लिए अष्टावक्र जी ये शब्द बोल रहे हैं। राजा जनक से रहा नहीं गया, प्रभु आप ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा देखो मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये कहने को जन्म से कुछ होंगे लेकिन इन सब की दृष्टि मेरे इस शरीर के चर्म पर है, तो जिसकी चर्म पर दृष्टि है उसे मैं चर्मकार कह दूं तो क्या गलत? ये तो वही है जिसकी दृष्टि देह पर है वो चर्म दृष्टि है। आज के संदर्भ में जबकि सम्यक दर्शन के निर्विचिकित्सा अंग पर मुझे विवेचना करनी है, चार बातें आप सबसे कहूँगा। चर्म, मर्म, कर्म, धर्म। क्या बोला? चर्म, मर्म, कर्म, धर्म। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो ये हमारा शरीर चर्ममय ही तो है। इस शरीर के संदर्भ में कहा जाता है दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जगत में और नहीं घिन गए। ये हमारा सुंदर सलूना, यह चित्र जो हमें दिख रहा है, जो ऊपर से आकर्षक दिख रहा है, बड़ा दैदीप्यमान कांतिमान द्युतिमान प्रतीत हो रहा है, इसके भीतर जाकर के देखो तो इससे घिनौना संसार में और कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि संसार की जितनी भी अपवित्रता है वो इसी शरीर से उत्पन्न होती है, और दुनिया की पवित्रतम वस्तु भी शरीर का संसर्ग पाकर के अपवित्र हो जाती है ना? केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होय अपावन निस्दिन मल जारी। शरीर का संसर्ग पाते ही सारी पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है, ये संसार की परिणति है। अनादि से इस शरीर का यही स्वभाव है। तो संत कहते हैं
देह के धरातल से ऊपर उठने की कोशिश करो। केवल देह को मत देखो, देह तो अशुद्धि का, अशुचिता का पिंड है, अपवित्रता का स्थल है। इस देह से उपरत हो, इस देह के भीतर बैठे हुए देही को पहचानने की कोशिश करो। यदि तुम देह पर केंद्रित रहोगे तो केवल दैहिक स्तर के संबंध बनाओगे, और यदि तुम देह में छिपे देही को पहचानोगे तो तुम्हारा आत्मिक स्तर का संबंध होगा। देह के स्तर पर जीना चर्ममय जीवन है, और आत्मा के स्तर पर जीना मर्ममय जीवन है। संत कहते हैं जीवन के मर्म को पहचानो, केवल ऊपर की चमक पर ध्यान मत दो, भीतर के तत्व पर ध्यान दो। अपने मन से पूछो, आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हो, जुड़ते हो, तो आपके ऊपर किसी व्यक्ति का पहला प्रभाव क्या पड़ता है, उसके रूप का या उसके गुणों का? ईमानदारी से बोलना, हाँ, रूप का ना, रूप का। और रूप में ही सब फिसल जाते हैं, रूप में ही फिसल जाते हैं। काश लोग रूप को छोड़कर स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते। रूप दिखता है, रूप लुभाता है, रूप का आकर्षण है, और रूप के पीछे लोग मरते हैं। लेकिन ये रूप कब विद्रूप हो जाए, इसका कोई पता है? कोई पता नहीं। जो चर्म दृष्टा है वो रूप में मुग्ध होते हैं, और जो मर्म दृष्टा है वो स्वरूप की उपासना करते हैं। अपने मन से पूछना, तुम हमेशा रूप को देखते हो, लेकिन रूप को विद्रूप होते देर नहीं लगती। हमने सुना है टॉलस्टॉय एक बड़े दार्शनिक विचारक हुए, उनका रूप अच्छा नहीं था, उनका रूप अच्छा नहीं था। कहते हैं कि एक युवती उनसे प्रभावित थी, वो बहुत सुंदर थी। उसने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि आप मुझसे विवाह कर लो, हम दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होगी उसमें मेरा रूप और आपका ज्ञान दोनों मिल जाएगा, मेरा रूप और आपका ज्ञान दोनों मिल जाएगा, तो वो संतान लोक में विचक्षण होगी। टॉलस्टॉय ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक उसके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए, ठुकराते हुए कहा कि नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसने पूछा क्यों? उसने कहा कहीं उल्टा हो गया तो, मेरा रूप और तुम्हारा ज्ञान आ गया तो दोनों तरफ से चले जाएंगे। जो स्वरूप दृष्टा होते हैं वो रूप में मुग्ध नहीं होते। रूप कब बदल जाए, कब बिगड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो निर्विचिकित्सांग कहता है, रूप को नहीं स्वरूप को देखो, चर्म को नहीं मर्म को देखो। ये शरीर को तुम कितना भी पवित्र करने की कोशिश करोगे, ये पवित्र हो ही नहीं सकता। कोई कोयले को कितना भी धोए, सफेदी आ सकती है क्या? नहीं ना। तो जो सफेद होने लायक ही नहीं, उसे सफेद बनाने की कोशिश क्यों करे? तो इस शरीर से अपनी दृष्टि को मोड़ो। ये घृणास्पद स्थल है, संसार की सब प्रकार की अपवित्रता इसमें भरी है। तो महाराज, शरीर में सब अपवित्रता है, शरीर घिनावन है, तो फिर शरीर से नफरत करे? नहीं। शरीर से घृणा करे? नहीं। शरीर को छोड़ दें? नहीं। क्यों? गंदगी से आप दूर रहते हो, तो शरीर में गंदगी, आपने कह दिया शरीर गंदा है तो शरीर को छोड़ दें? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देह दृष्टि से ऊपर उठो, शरीर से छोड़ो मत। इस शरीर की एक विशेषता है, लोक में जितने भी गंदगी के ढेर हैं वहाँ तो केवल गंदगी है,
लेकिन इस शरीर में ही एक विशेषता है कि इस घिनौने शरीर में ही आत्मा का वास है, उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए, उसकी तरफ दृष्टि हो। गुरुदेव कहते हैं दीप का नहीं ज्योति का, सीप का नहीं मोती का सम्मान करना सीखिए। सीप छोटी हो या बड़ी महत्व उसका नहीं, महत्व मोती का है। दीप मिट्टी का हो या सोना का, महत्व ज्योति का है। शरीर चाहे जैसा हो, दृष्टि शरीरी पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोने के दीप की ज्योति कुछ और हो और मिट्टी के दीप की ज्योति कुछ और हो। और दीप की महत्ता तभी है जब ज्योति है। ज्योति समान है चाहे सोने की हो या मिट्टी की, मोती मोती है चाहे बड़े सीप की हो या छोटे सीप की। भीतर का तत्व सबके लिए समान है, उसे जिस दिन तुम पहचाने लोगे तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। मर्म दृष्टा बनो, स्वभाव तो सुचौ काये, रत्नत्रये पवित्रते, निर्जगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। ये शरीर स्वाभाविक रूप से अपवित्र है। पहली बात क्या बताया, यह शरीर महान अपवित्र है। कैसे, स्वाभाविक रूप से। लेकिन घबराओ नहीं, इस अपवित्र शरीर में भी पवित्रता आ सकती है। किससे, रत्नत्रय पवित्रते। रत्नत्रय यानी धर्म को धार लो तो तुम्हारे इस शरीर में भी पूज्यता आ जाती है। उसको जिसको हम कोई मूल्य और महत्व नहीं देते उसे भी हम पूज लेते हैं, वह भी हमारे पूजा के योग्य हो जाता है। किसके बदौलत, रत्नत्रय के बदौलत। रत्नत्रय क्या है, धर्म। धर्म धारो तो अपवित्र शरीर भी पवित्र हो जाता है। इसलिए निर्जगुप्सा, किसी के शरीर को देखो तो ग्लानि मत करो, घृणा मत करो, उसकी उपेक्षा मत करो, उसका तिरस्कार मत करो। सोचो शरीर का तो ये स्वभाव है। गुणा प्रीति, गुणों से अनुराग रखो, यही निर्विचिकित्सा अंग है। विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि, घृणा, नफरत, उपेक्षा या तिरस्कार का भाव, अवमानना का भाव। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो तो तुम किसी के साथ इस तरह का बर्ताव मत करो। ये अपनाओगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, या में सार न होए, सागर के जल सो सुच कीजे तो भी शुद्ध न होए। ये शरीर का स्वभाव है। लेकिन यदि तुमने इस तन को धार करके तपस्या का रास्ता अपना लिया, धर्म का रास्ता अपना लिया, तो ये जगत पूज्य बन सकता है। जीवन की सच्चाई को समझिए। जो इसे समझते हैं वे अपनी दृष्टि को मोड़ लेते हैं, वे चर्म से मर्म की ओर बढ़ते हैं। आप लोग, अभी मैंने पूछा आपकी पहली दृष्टि किस पर होती है, रूप पर, चर्म पर। अनादि से ऐसे संस्कार बने हुए हैं। एक अज्ञानी इनमें मुग्ध हो तो चलता है, पर ज्ञानी भी इसमें फिसल जाए तो क्या होगा। जो रूप में मुग्ध होता है वो अक्सर ठगा जाता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी पंक्तियाँ चलती है, दोहराई जाती है,
फिसलो मत यारो, ऊपर की सफाई पर बर्क चांदी का चढ़ा है। किस पर? बोलने की जरूरत, आप लोग समझदार हैं। संत कहते हैं इस देह दृष्टि से ऊपर उठो। प्रायः जब हम निर्विचिकित्सा अंग की बात करते हैं तो हम इन्हें मुनियों से जोड़ देते हैं कि मुनियों के इस संस्कार रहित शरीर को देखकर मन में उपेक्षा, तिरस्कार, घृणा या ग्लानि का भाव मत लाओ। मुझे लगता आज ये बात अप्रासंगिक सी हो गई, क्योंकि लोगों ने मुनियों के स्वरूप को अच्छे से पहचान लिया है और मुनियों के स्वरूप को जान लेने के बाद अब मुनियों की उपेक्षा नहीं, मुनियों के प्रति लोगों के हृदय में अगाध श्रद्धा हो गई है। वो तो उनकी पूजा करते हैं, पर इसे थोड़ा व्यापक रूप में देखो। अगर तुम्हारे घर परिवार में कोई बीमार है जिसके शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही है, तुम्हारे हृदय में उनकी सेवा का भाव कभी हुआ? बोलो। हम मुनियों के लिए कहा है कि अगर एक मुनि महाराज की समाधि हो रही है, संलेखना चल रही है, तो उनके मल मूत्र को भी हम लोग अपने हाथ से साफ करते हैं, करने का विधान है, हम लोगों ने किया है। यहां तक लिखा कि उन मुनि महाराज को जिसे छपक की संज्ञा दी गई, अगर अचानक कफ आ जाए और कफ थूकना हो और वहां कोई साधन नहीं है तो अपनी अंजलि फैला करके कफ ले लो, बाद में हाथ धो लो। क्यों? ये तो शरीर है, शरीर की ये परिणति तो होनी है। तुम्हारी दृष्टि में वो शरीर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी दृष्टि में वो कफ और मल नहीं होना चाहिए, तुम्हारी दृष्टि में उनका वो रत्नत्रय होना चाहिए, उनकी वो आत्मा होनी चाहिए, उनका वो गुण होना चाहिए और तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए जो सेवा भाव का है और समर्पित भाव से कर लेना चाहिए। आज कहीं ऐसा कुछ होता है तो आप लोग क्या करते, नाक भों सिकोड़ते हो, फेल हो गए। नाक भौं सिकोड़ने की बात नहीं है, वहां अपने कर्तव्य के अनुपालन की बात है। शरीर की स्थिति को मत देखो। बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो एक जमाने में बड़े गुणी थे, बड़ा ज्ञान, बड़ा कौशल, बड़ा प्रभाव, घर परिवार के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसे लोग आखिरी में बीमार पड़ जाए तो इतना भी होश न रहे कि कब मल हो जाए, कब मूत्र हो जाए, अपने ही हाथों अपने ही बिस्तर को खराब करे। तो तुम क्या करते हो? सेवा करने का भाव? महाराज आजकल सेवा का भाव खत्म सा हो गया, बहुत अंतर आ गया पहले में और अब में। पहले घर में यदि किसी को खांसी होती तो बगल वाला उसकी पीठ मसलता था, अपने आप पीठ मसलने के लिए तैयार हो जाता, सामने वाला खांस रहा है तो पीठ मसल दे ताकि उसको राहत हो जाए। और आज के बहू बेटे अगर बाजू में बैठे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा है और सेवा भाव हो भी तो कहे डॉक्टर को दिखा लो, माने मैं ले चलूँ, ये बोलने वाले भी कम है, बहुत बिरले कि मम्मी या पापा परेशान मत हो, चलो आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, अपने हाथ से दवाई दे देते हैं। नहीं, ये सेवा की भावना दिनों दिन संकुचित होते जा रही है क्योंकि हमारी संवेदनाएं छीन हो गई। इसे व्यापक बनाना, घर परिवार से लेकर सारे संसार में फैलाने की जरूरत है। तो चर्म को नहीं देखो, मर्म को देखो। ये चर्म तो कर्म की परिणति है, आज चमक रही है, कल कर्म बदल जाए तो? बोलो। मैना सुंदरी ने चर्म को देखा था या मर्म को? हाँ ठीक है, श्रीपाल है, आज कोढ़ी है, हो गया कोढ़ी, शादी के बाद भी हो सकता है,
अब मेरे कर्म में यही मेरा पति है, तो ये मेरे लिए कोढ़ी नहीं, मेरे लिए मेरा परमेश्वर है, क्योंकि भारत की संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। उन्होंने स्वीकार किया, मर्म को जाना, कर्म को स्वीकार किया, धर्म की आराधना की, तो अपने जीवन का उत्कर्ष कर लिया। कर्म का उदय कब किसके साथ कैसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा आती, बड़ा रूपवान था, इतना रूपवान कि देवता भी उसके उस रूप सौंदर्य से प्रभावित हो गए और इंद्र अपनी सभा में उनकी प्रशंसा कर बैठा। एक देवता के हृदय में बड़ा कुतूहल जागा कि आखिर कैसा आदमी है जिसकी इंद्र प्रशंसा कर रहा है, चलकर देखना चाहिए। स्वर्ग से नीचे आया, उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती अपने व्यायामशाला में, आज की भाषा में कहें तो अपने जिम में वर्जिश कर रहा था। धूल धूसरी शरीर, लेकिन उसके भीतर से एक अलग आभा चमक रही थी। देवता के मुख से निकल पड़ा, वाह, जैसा सुना उससे भी सुंदर, क्या रूप है, जैसा सुना उससे भी सुंदर। ये शब्द सनत कुमार चक्रवर्ती के कानों में पड़े तो फूला न सुना समाया। अरे किसी के रूप की प्रशंसा कह दो, झूठी प्रशंसा करो तो आदमी फूल जाता है। उसने कहा, अरे आप तो बिना सूचना के आ गए, अभी तो मैं फ्रेश भी नहीं हूँ, देखो पूरा शरीर धूल धूसरित है। आपको अगर वाकई में मुझे देखना है तो मैं जब दरबार में रहूँ तब देखना। ठीक है, आते दरबार में। वो सज धज कर अपना फेसियल भी करवा लिया, सज धज कर दरबार में आया, और दरबार में जब देवता आया और उसे देखा और एक शब्द भी नहीं कहा, उस घड़ी मनुष्य की दशा बड़ी विचित्र हो जाती है जब हम किसी से प्रशंसा की अपेक्षा रखते हों और एक शब्द भी ना बोले। एक शब्द भी नहीं, चक्रवर्ती को तो काट सा मार गया, ये क्या हो गया, कुछ नहीं बोल रहा, वहां तो बिल्कुल मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहा था, यहां एक शब्द नहीं बोल रहा। आपने आपको देखा कहीं मैं कोई खराब तो नहीं लग रहा हूं, कपड़े अपने ठीक पहने कि नहीं, कपड़े बटन बटन ठीक लगाए कि नहीं लगाए, कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य, लेकिन सामने वाले की कोई प्रतिक्रिया नहीं। चक्रवर्ती घबराया और पूछा, क्यों पसंद नहीं आया? नहीं राजन, जो देखा वो बात नहीं है, जो देखा वो बात नहीं है। क्या हो गया? तुम्हारे लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। बताओ तो चक्रवर्ती को किस बात की चिंता? बस मैं यही बता रहा हूं महाराज, बड़ा दुखद सूचना, दुखद, बड़ी दुखद सूचना है, आपके शरीर में कुष्ठ के कीटाणु पैदा हो गए हैं और थोड़ी ही देर में आपको कोढ़ होने वाला है। हवाइयां उड़ने लगी चेहरे से, ये क्या ऐसा? हां, इसका प्रमाण अभी प्रस्तुत करता हूं। एक ग्लास पानी मंगवाया और कहा, इसमें थूकिए। उनने थूका तो कहते हैं कुछ कीड़े उसमें बिलबिलाते हुए दिखे। चक्रवर्ती का चित्त फिर गया, उसका हृदय वैराग्य से भर गया। धिक्कार है उस रूप को, धिक्कार है उस यौवन को, धिक्कार है उस वैभव को, धिक्कार है उस संपदा को जिसका पल का भरोसा नहीं। अब मुझे रूप की नहीं स्वरूप की उपासना करना है, अब मुझे चर्म की नहीं मर्म की सेवा करना है। मर्म को पहचान लिया, कौड़ तन को है, मेरी चेतना तो अभी भी जहां के तहां है।
वैराग्य हो गया। देखो कितना अंतर है, अगर सनत कुमार चक्रवर्ती की जगह तुम जैसे किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो क्या करते, बोलो। बड़ा फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी के जीवन में मुसीबत आती है तो मजबूत बनता है, उसके हृदय में वैराग उमड़ता है, और अज्ञानी के जीवन में मुसीबत आती है तो वो डिप्रेशन का शिकार बन जाता है, जगत में रोना रोता है। सनत कुमार चक्रवर्ती ज्ञानी था, उसकी चेतना जाग गई, हृदय में वैराग आ गया, नहीं अब मुझे शरीर की नहीं शरीरी की सेवा करना है, देह की नहीं देही की, चेतना का आत्मा का सत्कार करना है। ये बीमारी तन में है जो कभी भी हो सकती है। उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, तपस्या की, और कहते हैं तपस्या की घड़ी में भी उनकी एक परीक्षा हुई, तपस्या की घड़ी में भी एक परीक्षा हुई। मुनि महाराज हो गए, पूरे तन में कुष्ठ है, और एक देवता आकर के कहता है कि अगर मैं बड़ा वैद्य हूं, दुनिया की सारी बीमारी की चिकित्सा मेरे पास है, जो भी अपने रोगों का निवारण कराना चाहते हैं करा ले, मैं सब रोगों को हर सकता हूं। महाराज से भी ऑफर किया, बोला महाराज आपका शरीर रुग्ण दिख रहा है, मैं आपके रोग को समाप्त कर सकता हूँ। उन्होंने कहा भैया मेरे रोग का इलाज तेरे पास नहीं हो सकता, मेरे रोग का इलाज केवल मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। नहीं महाराज ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी मुझमे जिसकी चिकित्सा मेरे पास नहीं। तो महाराज ने कहा ठीक, अगर तू इतना दंभ ठोकता है तो मैं तुझसे कहता हूं मुझे भाव रोग लगा हुआ है, उससे बचा सके तो बचा दे, उसका कोई इलाज है तो बता। वैद्य रूपी देवता ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा महाराज उस भाव रोग की तो दिशा कोई दवाई मेरे पास नहीं है। चक्रवर्ती महाराज ने उस वैद्य को समझाया कि भैया देख ये शरीर है, शरीर में रोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये मान करके चलना कि आत्मा में न तो आज तक कभी कोई रोग हुआ न होगा, मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ, तो इस रोग के प्रतिकार की बात करता है। ऐसे रोग तो रोज आए और चले गए, उससे क्या होता है, पाना है तो आत्मा के आरोग्य स्वरूप को पाना है। मेरे पास ऐसी क्षमता है कि एक पल में मैं अपना कुष्ठ दूर कर सकता हूं, लेकिन मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि इस कुष्ठ के बहाने मेरे कर्म जा रहे हैं, मैं कर्म को काट रहा हूं, और मेरी दृष्टि मेरे मर्म पर है, मेरी चेतना पर है, आज भी मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। दृष्टि यही होनी चाहिए। दृष्टि में अध्यात्म लाइए। आज थोड़ी बहुत आत्मा की बातें भले हो जाए, लेकिन जीवन में कहीं आत्मा को कोई स्थान नहीं दे रखा है लोगों ने, यही भयानक भूल है। इसी कारण लोग संसार में रुलते आए हैं। निर्विचिकित्सा अंग के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं तो भीतर वो आत्मा की दृष्टि को उद्घाटित करने का भाव लगाओ, जगाओ, और हर व्यक्ति के संबंध को आत्मिक स्तर पर स्थापित करने की कोशिश करो, देह के स्तर पर नहीं। अगर ऐसा करने में हम सफल हो गए तो मान करके चलना हमने जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर दी। तो निर्विचिकित्सा का एक रूप जो हम आध्यात्मिक दृष्टि से कहें, आचार्य कुंद कुंद इसी बात को उद्घाटित करते हुए कहते जो नद करेद दुखंखम चेदा सव्वेशु विकम्म भावेशु
सो निविदिगन छो सम्मा इट्ठी मुने यब्बो। जो आत्मा कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार की पर्यायों और विकृतियों में जुगुप्सा ग्लानि घृणा या द्वेष का भाव नहीं रखता, वो निर्विचिकित्सा गुण का धारी सम्यक दृष्टि। इसे व्यापक संदर्भ में देखे तो जो कहीं कम भावेशु न दुकरेद दुगंछम, संसार में तुम जिससे नफरत करते हो, तुम जिससे घृणा करते हो, वो किससे घृणा है? आपके मन में किसी से कभी नफरत हुई? बोलो हुई कि नहीं हुई है? मारा हुई क्या, करते ही हैं, बहुतों से नफरत है ना? किससे नफरत होती है? पहली बात, नफरत हो तो किससे होती है बोलो? हाँ, जो हमारे मनोनुकूल ना हो उससे हमें नफरत होती है ना? जो हमारे मन के प्रतिकूल बर्ताव करता उससे हमारे लिए नफरत होती है, जो हमारे विरुद्ध व्यवहार करता उससे हमारे लिए नफरत होती है ना? तो ये जो मन के प्रतिकूल और मन के अनुकूल है, ये है क्या? ये कर्म से उत्पन्न भाव है, पर्याय है। किसको अच्छा और किसको बुरा मानो, मन का खेल तो बड़ा विचित्र है। कई कई बार तो ऐसा होता है जिसे थोड़ी देर पहले अच्छा मानते हैं, संदर्भ बदल जाने के बाद वही बुरा बन जाता है। है किससे नफरत? जिसे बुरा मानते थे वही अच्छा लगने लगता है। किससे नफरत, किससे घृणा, किसकी उपेक्षा, किसका तिरस्कार? थोड़ा विचार करो, संदर्भ बदलते ही सारा खेल बदलता है। देखिए कैसा खेल होता है। दीपावली का समय निकट था, पति घर की सफाई कर रहा था, अचानक उसके हाथ एक पुस्तक लगी। वो पुस्तक उसकी धर्मपत्नी 30 बरस पहले विवाह के समय मायके से लेकर आई थी। वो पुस्तक पलटते पलटते उस पुस्तक में एक पत्र मिला और उस पत्र में 35 बरस पुराना पत्र था। क्या था? 35 बरस पुराना पत्र, डेट लिखा था। और वो पत्र कभी शादी के पहले पति पत्नी के प्रेमी ने पत्नी के लिए लिखा था, प्रेम पत्र था। अब पत्र पढ़ते ही चेहरे के भाव बदल गए। अच्छा, ये बात है, ये तो उल्टा निकली। मैं तो इसके लिए प्राण न्योछावर करता था, इसकी हकीकत तो कुछ और है। आग लग गई। जिसके पीछे थोड़ी देर पहले तक बाग बाग थे, अब आग क्यों? बोलो क्या बदला? पत्नी वही, पत्नी का व्यवहार वही, पत्नी का स्वभाव वही, पत्नी का बर्ताव वही। बदला क्या? दृष्टिकोण बदल गया है ना? जो अच्छा लगता है वही बुरा लगने लगता है। ये मन का खेल है। तो संत कहते किससे घृणा, किससे नफरत? वस्तुतः यह घृणा और नफरत का भाव मनुष्य के मन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। और जो मनुष्य एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखता है, नफरत का भाव करता है, वो अपनी चेतना का पतन कर डालता है। उससे बचो, किसी से घृणा मत करो और किसी से ज्यादा प्यार भी मत करो, माध्यस्थ रहो। हाँ, गुणों को देखो, गुण प्रीति, गुणानुरागी बनो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई है और उसमें यदि कोई अच्छाई दिखती है तो उसे स्वीकार कर लो, उसका उपयोग करो। बुराई देखकर क्या पाओगे? बुराई देखना, बुराई करना, बुराई फैलाना जिंदगी को बुरा बनाना है।
क्यों देखते हो बुराई, क्यों करते हो बुराई, क्यों फैलाते हो बुराई, इससे तो तुम्हारा जीवन बुरा बनेगा। व्यापक अर्थ में समझिए, अपने मन से पूछिए, कितनी निंदा, चुगली, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, विद्वेष और वैमनस्य की भावनाओं में चित्त रमता है। क्या पाते हो? जिस किसी की बुराई करने से कुछ हासिल हुआ क्या? ध्यान रखना, औरों की निंदा करना सबसे निंदनीय कर्म है। औरों की निंदा करना सबसे निंदनीय कर्म है। इस कर्म से अपने आप को बचाओ। निर्जुगुप्सा निर्विचिकित्सा अंग हमें ये भी बताता है। अध्यात्म में जाओ तो जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कर्म का कैसा भी उदय आए, उसे प्रभाव मानकर उनके प्रति क्षमता रखो। ये औपाधिक भाव है, कर्म का विकार है, इससे ग्लानी मत करो, अपने भीतर के मर्म को समझो। अरे ये जो कुछ भी खेल है तन का है, चेतन के साथ तो कुछ लेना ही देना नहीं। मर्मदृष्टा बनोगे, क्षमता अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर पड़ेगी, उमड़ पड़ेगी। लेकिन वो दृष्टि नहीं तो अपने आप को टिका नहीं सकते। चाहे जो भी हो जाए, अपने अंदर स्थिरता रखने की क्षमता तुम्हारे इस दृष्टि से तुम्हारे अंदर आ सकती है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जो पिछले 30 वर्षों से बीमार है, आज भी हैं, 30 वर्षों से गठिया की बीमारी से ग्रसित है और पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है, कोई दवाइयां काम नहीं करती, सारी दवाइयां करने के बाद भी काम नहीं। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति, आज भी वो कहता है महाराज अब मुझे दर्द विचलित नहीं करते, पहले मैं अपने दर्द से विचलित होता था, कई कई बार अपनी बीमारी को न सह पाने के कारण मैंने आत्महत्या करने का भी मन बनाया, लेकिन एक दिन आपके प्रवचन में मैंने सुना कि दुख सहने की चीज है, भोगने की चीज नहीं। समता से सह लोगे तो दुख कट जाएगा और आकुलता करोगे तो दुख भाव भाव में पीछा करेगा। मरने में जीवन का समाधान नहीं है, सावधानी से जियो, सब समाधान मिल जाएगा। इस आशय की बात मैंने कभी अपने प्रवचन में की, वो बात उसे पकड़ में आ गई। बोला महाराज आपने मुझे आत्मदृष्टि दी और तब से मेरे मन में एक ही बात आई, कर्म का उदय है, कर्म अपना खेल खिला रहा है, मुझे कर्म का खेल खेलना है और अपने आप को संभाले रखना है। महाराज पहले मैं दर्द भोगता था, अब दर्द सहता हूँ और बहुत ताकत आ गई। पहले दर्द भोगता था, अब दर्द सहता हूँ। ऐसी स्थिति में दो बेटियों का पिता, बेटा नहीं अपना कारोबार भी देखता है, बेटियों की शादी विवाह भी कर दी, कुछ जिम्मेदारियां हैं, नहीं तो बोला महाराज मैं तो पूरी तरह धर्म ध्यान में लग जाऊं, थोड़ा बहुत जो कुछ भी उपचार है कर सकता है करता है, लेकिन जब बादल आदि होते हैं तब तो ऐसी चरम वेदना होती है, कई कई बार अपने हाथ से ग्लास का पानी भी नहीं उठा पाता। और वो व्यक्ति कहता है महाराज मेरा इतना पुण्योदय है कि मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए इतने अनुकूल मिली है कि वह मेरे सारे दुख दर्द को आधा कर देती है, मेरे हर कार्य में सहभागी बनती है। ये एक सोच, जो दुन करेद दुखंखम छेदा सव्वेशु कम भावेशु। समय सार को व्यापक अर्थ में समझिए, कर मोदय आए तो विचलित मत होइए, ये भी निर्विचिकित्सा है। और कोई कर्मोदय का शिकार आए तो उसकी उपेक्षा मत कीजिए, यह व्यवहार की निर्विचिकित्सा है।
बाहर भी निर्विचिकित्सा और भीतर भी निर्विचिकित्सा, अभी तो दोनों जगह बंटाधार है, ना बाहर ना भीतर। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा तुम्हारा उद्धार? इन अंगों की बातें हम करते हैं तो बस उदयन राजा को याद कर लेते हैं, मुनियों की सेवा तक अपने आप को जोड़ लेते हैं और मान लेते हैं हमारा तो निर्विचिकित्सा अंग पल रहा है। नहीं, ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप धरातल से ऊपर उठ करके जीने का है, देह के तल से ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर पर जीने के जो आदि और अभ्यासी होते हैं वे ही अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं, या ये कहें वे ही अपने जीवन का सच्चा लाभ उठा पाते हैं। लाभ उठाने की कोशिश कीजिए तो चर्म को केवल जानिए, चर्म से ऊपर उठकर मर्म को पहचानिए, कर्म की इस अस्तित्व को स्वीकार करके कर्म की जो भी उदय में परिणति हो, कर्म की जो भी परिणति हो उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार ही करना पड़ता है, किसी के पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, और इसे ही अपना धर्म मानिए। हर स्थिति में अपने धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए, धर्म में टिके रहिए, धर्म से विचलित ना हो ये भाव बनाए रखिए तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये निर्विचिकित्सा अंग है, आप इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं? बोलो, उतार सकते हैं कि नहीं? कब? कब? आज से ही। मन में एक भाव जगाओ कि नहीं, मैं हर क्रिया करते हुए भी अपनी आत्मा की समझ रखूंगा, पहली बात। दूसरी बात, कर्मोदय में मैं अपने आप को विचलित नहीं करूंगा, चाहे जैसा कर्म हो मैं कर्म को भोगने की जगह कर्म को सहूंगा, क्योंकि कर्म को भोगने में आकुलता है, आकुलता में बंध है, और कर्म को सहने में समता है, समता से निर्जरा है। मुझे बांधना नहीं है, निर्जरा करना है, कर्म को काटना है। व्यवस्था तो हमारे हाथ में, और ये बताओ भोगने में भी सहते तो हो ही, सहना तो दोनों में है, एक कह के सहते एक चुप रह के सहते। कोई कह के सहता है, कोई चुप रह के सहता है। जो कह के सहता है वो हल्ला मचाता है, और जो चुप रह के सहता है वो कर्म की सत्ता मिटाता है। क्या करना है, हल्ला मचाना या कर्म की सत्ता मिटाना है? चुपचाप काम करके निकल जाओ, सब साफ हो जाएगा। लेकिन लोग शोर मचाते हैं तो मिलता कुछ नहीं है, नुकसान ज्यादा होता है। तो कर्मोदय को मैं स्वीकार करूंगा, और मैं इस सिद्धांत के साथ जीता हूं कि जो भी खेल है वह तन और तन के आश्रित अन्य संयोगों और संबंधों से जुड़ा है। जो कर्म का चक्र है, कर्म के संयोग से है। मेरे भीतर का मर्म, मेरी चेतना का तो एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला नहीं है। यह श्रद्धान होना चाहिए, यही तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति का संचार करेगा, जिसके बदौलत तुम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी सहने में समर्थ हो जाओगे, और तभी तुम अपने धर्म में टिक पाओगे। बल्कि यही धर्म है, हम पूजा करते, पाठ करते, स्वाध्याय करते, व्रत करते, उपवास करते, त्याग करते, तपस्या करते, दान करते, पुण्य करते, इसको धर्म मानते हैं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। महाराज क्या बोल रहे हैं, दोहरा रहा हूं, ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म का बाहरी रूप है। असली धर्म है अपने परिणामों की क्षमता, अपने परिणामों का संभाल, अपने भावों की शुद्धि, अपने भावों की निर्मलता। ये सब हम करते उसके लिए, पर हम क्रिया में रूढ़ हो जाते हैं, उसके प्रयोजन को प्रायः भूल जाते हैं। आचार्य कुंद कुंद से कहो, पूछो तो वो बोलते धर्म क्या है,
तो बोलते बाकी धर्म मैं नहीं जानता, मेरे से पूछेगा तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, उनसे पूछा धर्म क्या है तो उनने कहा चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म है, वो चारित्र क्या है, धम्मो जो सो समोत्त निर्दिठो, मन की क्षमता धर्म है, वो क्षमता क्या है, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हु समो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का शाम परिणाम ही, आत्मा का स्थिर परिणाम ही क्षमता है, तो मन में मोह न हो, मन में क्षोभ न हो, यही परम धर्म है जो हमारा मूल अभीष्ट है, मूल ध्येय है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम नीचे की बातों से राजी हो जाते हैं, मर्म को अक्सर भूल जाते हैं। संत कहते हैं मर्म को पकड़ो, मैं ये नहीं कहता हूं, तुम लोग तो कहे अच्छा उपदेश दे दिया महाराज, कल से मंदिर जाना बंद, पूजा पाठ बंद, व्रत उपवास बंद, त्याग तपस्या बंद, समता रखना धर्म। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम समता रखो तो इसकी जरूरत ही नहीं है, लाओ तो समता। मन में तो विषमता भरी है, उस विषमता को कम करने के लिए बाह्य आलंबन लिए जाते हैं, ये धर्माचरण है, धर्म नहीं, लेकिन धर्माचरण धर्म के लिए हो तब तो सार्थक है। और धर्माचरण हम करते रहें, भीतर के धर्म को भूल जाए, जीवन के मर्म का बोध ना हो, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो अपने जीवन को हम सही रास्ते पर लें और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस भाव से निर्विचिकित्सा अंग को आज मैंने एक नई दृष्टि से आप सबके बीच रखा है, इसे आप व्यापकता से समझिए। आज के पूरे प्रवचन का सार क्या है, दो बातें हैं, चार बातों में दो बातें आपको जीवन भर याद रखना है। पहली बात, कर्म के उदय में आने वाली विसंगतियों में स्थिरता रखना, भीतरी निर्विचिकित्सा को पाना है। और कोई कर्म से पीड़ित होकर के कुमार्ग में लग गया है, गलत कार्य में लग गया है, नीचे गिर गया है, पतित हो गया है, तो उसकी उपेक्षा या तिरस्कार नहीं करना, उससे घृणा या नफरत नहीं करना, ये बाहरी निर्विचिकित्सा है। ये दोनों बातें आ गई तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे, पूरी चार कर देता हूँ, अधूरी नहीं। दो, भीतर आत्मा से प्रीति रखना, भीतर की निर्विचिकित्सा है, और औरों की गुणों से प्रीति रखना बाहर की निर्विचिकित्सा है। अंदर में आत्मदृष्टि और बाहर में गुणग्राही दृष्टि रखो तो सबका जीवन धन्य हो जाएगा। हम अपने जीवन में ऐसी धन्यता को प्रकट कर सके, इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।